Hi guys, my name is Priyanka Negi and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन बहुत ही सिंपल एंड ईजी बन हेयर स्टाइल्स जो आप ऑफिस, कॉलेज या बाहर जाते टाइम कर सकते हो. बिकॉज आई नो इट्स वेरी हॉट आउटसाइड दीज डेज. तो इन बन हेयर स्टाइल्स को आप ट्राई कर सकते हो. दो से तीन मिनट में ये बन जाएंगे एंड दे गोना सेव यू फ्रॉम दिस हॉट वेदर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम दे गोना मेक यू लुक वेरी फैशनेबल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोइंग टू कॉम माई हेयर. उसके बाद मैंने मिड पार्टीशन किया है इस हेयर स्टाइल के लिए जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है आपको किस तरीके का पार्टीशन करना है. अगर आप मिड पार्टीशन करना चाहते हैं आप मिड पार्टीशन कर सकते हैं लो बन के लिए. अगर आप साइड पार्टीशन में कम्फर्टेबल हैं आप साइड पार्टीशन कर सकते हैं. या फिर अगर आपको पार्टीशन करना ही नहीं है तो आप अपने सारे बालों को ऊपर को लीजिए और एक लो पोनी बना दीजिए. मैंने इस हेयर स्टाइल के लिए मिड पार्टीशन किया है. मिड पार्टीशन करने के बाद साइड से मैंने अपने सभी बालों को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर लो पोनी बना दी है. तो अगर आप मिड पार्टीशन कर रहे हो आप भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं. वंस यू डन विद दिस, डिवाइड योर हेयर इंटू टू सेक्शंस एंड टाई अ नॉट. जैसे हम पॉलिथिन में नॉट बांधते हैं सेम उसी तरीके से आपको अपने बालों में एक नॉट बांधनी है. नॉट बांधने के बाद पुल योर हेयर टाइटली एंड ट्विस्ट योर रिमेनिंग हेयर. जब आपने अपने बालों को अच्छे से ट्विस्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको राइट साइड वाले जो ट्विस्टेड हेयर हैं उन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाके लेफ्ट की तरफ लाना है और लेफ्ट वाले ट्विस्टेड हेयर को राइट की तरफ लाना है. मेक श्योर यू आर अगेन ट्विस्टिंग योर हेयर वेरी नाइसली. ट्विस्ट करने के बाद आप फिर अपने ट्विस्टेड हेयर को अपर डायरेक्शन में ले जाइए एंड सिक्योर योर हेयर विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड. नाउ माय परफेक्ट स्लीक लो बन हेयर स्टाइल इज रेडी. ये हेयर स्टाइल आप तब भी कर सकते हो जब आपके हेयर बहुत ऑयली हो रहे हैं और कोई हेयर स्टाइल बन ही नहीं पा रहा है. और एथनिक वेयर के साथ भी आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए भी मैंने मिड पार्टीशन ही किया है. मिड पार्टीशन करने के बाद मैं फिर से लो पोनी में ही अपने बालों को बांधूंगी. बट इस बार मैं जो पोनी करूंगी वो हाफ पोनी करूंगी. हाफ पोनी करने के बाद मैं बालों को स्प्रेड करूंगी. उसके बाद जो बचे हुए बाल हैं उन्हें मैं दो सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगी. उसके बाद राइट वाले हेयर को अपवर डायरेक्शन में ले जाकर लेफ्ट की तरफ लाना है. लेफ्ट वाले हेयर को अपवर डायरेक्शन में ले जाकर राइट की तरफ लाना है. बेसिकली हमें क्रॉस ओवर करना है. नाउ ब्रिंग योर हेयर टू द बॉटम एंड सिक्योर योर हेयर विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड. Once you have secured your hair properly, take all the extra hair underneath the bun. Now your perfect low bun is ready. अगर आप चाहो तो इस बन को एक्सरसाइज करके फेस्टिव सीजन में भी ये हेयर स्टाइल कर सकते हो. For the third and the last hairstyle, I'm going to take all my hair upwards and tie my hair in a high ponytail. Now I'm gonna bring all my hair in front of my face. I know I look funny but it's okay, just a matter of 1 or 2 minutes. अब मैं जल्दी से अपने बालों को दूसरे रबर बैंड की हेल्प से टाई करूँगी एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पुल आउट माई हेयर थ्रू सेकेंड रबर बैंड. Once I have pulled out my hair, I will take the remaining hair and divide them into two half. Now let's quickly cross over the remaining hair till the end. Now take your hair in a circular direction and bring them to the top. अब जल्दी से मैं बॉबी पिन की हेल्प से अपने बन को सिक्योर कर लेती हूँ.
I can see my hair is not secured properly, so I'm going to take one more bobby pin and secure them nicely. If you're okay with the messy bun, you can leave your hair like this. I want neat and clean bun, so I'm going to take Vaseline and apply it wherever it is required. And now my high bun is ready. ये हेयर स्टाइल कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है, या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ नहीं आता क्या हेयर स्टाइल करें, तो उन दिनों के लिए भी आप ये हाई बन बना सकते हैं. So that's all for this hairstyle video. I hope you all enjoyed watching it. If yes, then please do like, share and subscribe my YouTube channel. You all can also follow me on Instagram. I will see you guys in my next video very soon. Till then, bye bye and lots of love.